चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो गए हैं और आज जो केदार घाटी का मौसम है ना, वो पूरा पैक हो गया है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए, ये भैया जी बेच रहे हैं टोपी वगैरह, और ये भैया जी बेच रहे हैं यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह। और आज तो मेरे को जुकाम भी लग गया, गले में दर्द हो रहा है। यहाँ पे भैया जी ने हमको गर्मा गर्म कॉफी बना के दे दी है, तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में कॉफी का आनंद देते हैं। यहाँ पे यात्री रेनकोट वगैरह भी खरीद रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लिए ना रेनकोट बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता कब बारिश आ जाए। आज मेरे गले में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और जीजू पता क्या बोल रहे हैं कि हमारी दुकान की सारी फ्रूटी पी ली ना, पूरी खत्म कर दी हमारे दुकान में आके। तो हिसाब लिख लो ना क्या है तब उसमें। हम थोड़ी दूर क्या गए वीडियो बनाने के लिए, इन्होंने देखो यहाँ पे पोहा ऑर्डर कर दिया। कितना खाओगे कितना खाओगे, ये भी रखा है, पोहा भी रखा है साथ में, फ्रूट्स वो भी आगे। सुबह सुबह खाना चाहिए ना, उसके बाद दोपहर में नहीं खाए कोई टेंशन नहीं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और यहाँ ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, और जो हेली सेवाएं हैं वो तो जारी हैं। और यहाँ पे भाई भी आ गया है वीडियो बनाने के लिए। कितना किया सूट? थोड़ा बहुत। बारिश की वजह से ना इन्होंने अभी अपने सामान वगैरह पैक कर दिए हैं। ये मौसम तो मानेगा नहीं, ये बारिश ना सारा माहौल अस्त व्यस्त कर देती है। क्यों भाई? नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत यात्रियों को होती है। हाँ। और हमको भी हो रही है दिक्कत वीडियो बनाने में, वीडियो नहीं बन पाती है बारिश में। खासकर ऐसा ना, जो ऊपर चढ़ने वाले यात्री है ना, जो पैदल रास्ते पे चलेंगे, वहाँ भयंकर कीचड़ होती है, क्योंकि मैं खुद आ रखा ना उस दिन जिस दिन बारिश थी। वही तो, मतलब ऐसी हालत खराब होती है कि क्या बोले, बहुत दिक्कत है ऐसे में। तो यहाँ पे अभिजीत भी आ गया है बिल्कुल रेडियो के, इसको तो आजकल टाइम ही नहीं है, बहुत व्यस्त हो रखा है बच्चा। और कितने में पढ़ता है अभी? 9 में नहीं, 8 में पढ़ता है, ये झूठ बोल रहा है। अभी मैं और अभिजीत जा रहे हैं सीतापुर की साइड, वहाँ देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है। यहाँ तक ये है सोनप्रयाग का एरिया, और इससे आगे अब लग जाता है सीतापुर का एरिया। यहाँ से सामने देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। आज है 16 तारीख, और आज का दिन ना कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि आज केदारनाथ में आपदा को आए हुए 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। जिस टाइम पे यहाँ आपदा आई थी ना, उस टाइम पे ये जो जल स्तर है ये पूरा यहाँ तक बढ़ गया था, और उस टाइम पे ना बहुत तबाही हुई केदार घाटी में। ये दिन तो कोई नहीं भूल सकता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े, देखिए बेचने के लिए कैसी जगहों पे रखे हैं, ऊपर सीधे पेड़ पे। सभी लोगों के अपने अपने रोजगार खोल रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप रोड के ऊपर से देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, इन चट्टानों को देख के ना डर भी लगता है कभी कभी। ये सामने यहाँ पे सीतापुर है, और यहाँ नीचे ये है बस स्टैंड सीतापुर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है किरमोर की झाड़ी, और उस पे देखिए कितने ज्यादा किरमोर लगे हुए हैं। अभी हल्की फुल्की बारिश लगे जा रही है, और हम सीतापुर से वापस आ गए हैं, मतलब पूरा सीतापुर नहीं गए। अभी हम सोनप्रयाग से सामने वाली धार में आ गए हैं, और यहाँ से सोनप्रयाग का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर ऊपर तक भी देखिए लोगों के अपने लॉज वगैरह बना रखे हैं, और यहाँ पे इस पे देखिए थोड़ा घूमा नहीं कि भूख लगना प्रारंभ हो गया इसको। चट भी कर दिया। तो यहाँ पे अभिजीत ने गर्मा गर्म चाय दे दी है, तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं एक बार। इन दोनों पे देखिए, ये भी कम नहीं है, दुकान से पता नहीं क्या क्या खा रहे चोरी करके हैं। अभी यहाँ पे मैं और दीदी जा रहे हैं उधर सोनप्रयाग मार्केट में, उधर का भी आपको नजारा दिखाते हैं कैसा क्या माहौल है। और यहाँ नीचे तो पार्किंग फुल भरी रहती है हमेशा। घोड़े खच्चरों के बिना भी यहाँ केदार घाटी का कोई भी काम संभव नहीं है, घोड़े खच्चर तो चाहिए ही हर काम के लिए। सोनप्रयाग में आते ही हमको यहाँ काफी चहल पहल देखने को मिलती है। अभी
अभी दिन के 1 बज चुके हैं और जो हल्की हल्की बारिश लग रही थी ना वो बंद हो गई है और धूप लगने के लिए हो रहा है, तो काफी अच्छी बात है, यात्रियों को ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। फिर ये देखिए मौसम थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है और यहाँ पे अंकल जी दिन का खाना तैयार कर रहे हैं, कल भी हमने यहीं पे खाया था। तो अंकल जी के हाथ की बनी राजमा ना काफी ज्यादा टेस्टी हो रही थी, तो आज भी मैंने बोला कि मैं यहीं पे खाऊंगी। अंकल जी बहुत टेस्टी खाना बना रहे हैं। हम कहीं देर से धूप का वेट कर रहे थे और प्यारी सी धूप भी खिल चुकी है, तो काफी अच्छी बात है ये। अंकल जी खाना नहीं बना अभी? खाना बन गया। ओके, तो खाना। लगा लो आप थाली पे। क्या है इसमें? यहाँ पे अंकल जी ने गर्मा गर्म खाना परोस लिया है थाली में, तो अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। मैं आपको मिलती हूँ लंच करने के बाद। अभी शाम के करीब 5:30 होने वाले हैं और मैं उधर हॉल से इधर होटल में आ गई हूँ और यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि सब्सक्राइबर मिठाई लेके आए थे और इन्होंने मेरे लिए बचाई है। ये देखिए पूरा डब्बा खाली कर रखा है। यहाँ पे बिस्किट भी खा रहे हैं। आज ना मौसम सुबह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बारिश आएगी, वैसे बारिश तो हुई थोड़ा थोड़ा, लेकिन मौसम आज थोड़ा सही रहा, शाम के टाइम तो सही रहा, क्योंकि कल तक तो शाम को बारिश आती थी लेकिन आज शाम को सही रहा मौसम। अब मैं चलती हूँ सामने भैया जी की दुकान पे मोमोज खाने के लिए और आज ना जुकाम से हालत खराब हो गई मेरी। ये भी आ रहा मेरे साथ, आ जा फॉलो मी। और यहाँ पे भैया जी लगे हैं मोमोज बनाने पे और काफी टेस्टी मोमोज रहते हैं भैया जी के, कल तो हमने भी चखे थे। इसने तो पता नहीं कितनी बार खा लिए। 3 प्लेट। अब यहाँ पे भैया जी एक प्लेट हमको भी देंगे। एक प्लेट मत देना, आधी प्लेट देना। एक प्लेट चाहिए, एक प्लेट। मैं भी तो हूँ। मैं गिनती में नहीं। तू एक दिन नहीं खाएगा तो क्या होगा तेरा? तब मैंने खाना है, कुरकुरे खा दिया उस समय से, याद है मुझे नहीं खिला। यहाँ पे ये दिन भर खा ही रहा है कुरकुरे कुरकुरे, तभी तो कुरकुरे की तरह हो गया है। तो यहाँ पे भैया जी ने हमको गर्मा गर्म मोमोज दे दिए हैं, तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म मोमोज का आनंद लेते हैं। भैया मोमोज कैसा हो रहा? झुकड़ी फुकी। और यहाँ पे इसने देखिए सारे मोमोज खा लिए, 3 ही बचा रखे हैं मेरे लिए। कोई नहीं, हमारे पास दुकान है। और अभी यहाँ सामने पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ट्रैफिक लग गया है। और यहाँ पे भैया मेरे को लेके आया है भुट्टा, हमारे यहाँ मुंगरी बोलते हैं इसको। तो अब गर्मा गर्म भुट्टे का आनंद लेते हैं और उसके बाद ना थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि जुकाम से हालत खराब हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।